मेरी बेटी कार्टून देख रही थी, कार्टून देखते देखते पता नहीं मेरी बेटी ने कौन सा बटन दबा दिया कि मेरे फ़ोन के डिस्प्ले पे फास्ट बूट आने लगा। दोस्तों ये देख के मैं डर गया क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा था, मुझे लगा कि मेरा फ़ोन अब फॉर्मेट हो रहा है। इसलिए दोस्तों तुरंत मैंने MI के कस्टमर सर्विस में फ़ोन लगाया, चूँकि मेरा दोस्त MI के सर्विस सेंटर में काम करता है। उसने दोस्तों मुझे तुरंत इसका सोल्यूशन बता दिया। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने MI के फ़ोन का पावर ऑन बटन दबाना है, इसको दोस्तों दबाए रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको वॉल्यूम का अप वाला बटन दबाना है। दोनों बटनों को दोस्तों आपको कंटिन्यू प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। ये दोस्तों आपको तब तक करना है जब तक कि ये जो आपके फ़ोन के सामने सिंबल आ रहा है फास्ट बूट वाला, ये आपके फ़ोन से गैप ना हो जाए। दोस्तों मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ये मैंने पावर का बटन जिससे मैं पावर ऑन ऑफ करता हूँ वाला बटन और वॉल्यूम अप का बटन एक साथ दबा के दोस्तों प्रेस करके रख दिया है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों अभी मेरे फ़ोन पे सिंबल आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों मेरे दोस्त द्वारा बताया गया ये सॉल्यूशन काम करता है नहीं करता है। ये दोस्तों मैं सब कुछ लाइव कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू दोस्तों मैंने दबा के रखा हुआ है और ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, एक मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। ये दोस्तों देख सकते हैं अब मेरे फ़ोन की जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो गई है, अब यहाँ पर रेडमी लिखा आ गया है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा और हमारे फ़ोन का डाटा इसमें रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों फ़ोन इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो हमारा डाटा होता है ना दोस्तों वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जो हैं दोस्तों बहुत मेहनत से अपने डाटा को क्रिएट करते हैं और दोस्तों संभाल के रखते हैं अपनी मेमोरी के तौर पर। अब दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ऑन होने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, लेने दीजिए इसको जो भी टाइम लेता है। मेन मोटो दोस्तों हमारा यह है कि हमारा जो फ़ोन है वो ठीक होना चाहिए और हमारे फ़ोन का जो डाटा है वो भी सेफ रहना चाहिए। उसने दोस्तों बोला था कि इस तरीके से अगर मैं अपने फ़ोन को स्टार्ट करूँगा पावर का बटन और वॉल्यूम अप का बटन एक साथ दबा के, तो मेरे फ़ोन का जो डाटा है वो एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कुछ भी फॉर्मेट नहीं होगा। अब दोस्तों मेरा फ़ोन खुल चुका है और इसकी स्क्रीन भी दोस्तों आ गई है, टाइम भी ऑटोमेटिकली करेक्ट साइट सेट हो गया है। अब दोस्तों मैं इसकी गैलरी में जाऊंगा और गैलरी में जाके देखूंगा मेरा जो डाटा है वो इसमें है या नहीं। दोस्तों अपने फ़ोन का लॉक मैंने खोल लिया है, ये आप देख सकते हैं फ़ोन थोड़ा अभी स्लो हो गया है। मेरे दोस्त ने बताया था कि जब हम इस ये कमांड देते हैं तो फ़ोन थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये विद इन 2 से 3 मिनट में ये हमारा फ़ोन बिल्कुल पहले की तरह परफॉर्मेंस देने लगेगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये फास्ट बूट हुआ था इस वजह से इस तरह की दिक्कत आ जाती है, लेकिन अब हमारा फ़ोन 2 से 3 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों हमने अपने फ़ोन की गैलरी को खोलने की कमांड दे दी है, गैलरी पर टच कर दिया है। अब ये देखिए अब थोड़ा सा ये स्लो हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यह हमारे फ़ोन की गैलरी अब लगभग खुलना शुरू हो गई है, ये थोड़ा सा टाइम ले रही है अभी भी। ये दोस्तों मेरा जो लास्ट फोटोग्राफ्स थे वो सामने आ गए हैं, वीडियोस भी दोस्तों सामने आ गए हैं। इस तरह दोस्तों मेरा जो फ़ोन है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। तो दोस्तों ये एक तरीका था फास्ट बूट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो सही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी फ़ायदेमंद लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों कोई सजेशन हो या कोई आपका सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।